मुंबई। जब भी मैं इस शहर में सड़क पर निकलता हूँ, मैं सोचता हूँ कि इस शहर में इतनी भीड़ क्यों है और ये भीड़ हमेशा क्यों रहती है। फिर समझ आया कि जो यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ से कभी जाना नहीं चाहते, और जो यहाँ आए हैं वो आए हैं आंखों में लाखों सपने लिए। इस शहर की एक और खासियत है कि ये शहर हर उस इंसान को तरक्की देता है जो परिश्रम भी करता है और जिसके अंदर धैर्य भी है। सच कहूं तो ये शहर जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं, केवल ख्वाब पूरे करने के लिए है। कुछ बड़ा करने का ख्वाब लिए मैं भी आया हूं और बन गए हैं यहां मेरे कुछ दोस्त। देखते हैं हमारी मेहनत, हमारा एटीट्यूड और हमारी किस्मत हमें कहां ले जाती है। कसम भगवान की, वो लड़की उस बूढ़ी माँ को रास्ता पार करा रही थी, पर लग रहा था जैसे मंजिल हमें मिल गई हो। कौन है ये लड़की? हे भगवान, अगर मोहब्बत में जितना यकीन मैं करता हूं उतना अगर तू भी करता है तो एक और मौका दे दे इस लड़की से मिलने का। अरे गंगाराम, प्रशांत कहाँ है? सो प्रशांत के ट्रैफिक में अटक गया होगा, आ जाएगा। हेलो, हाँ बेटा बोलो। अरे लोकेशन नहीं मिली। सो प्रशांत ऊपर ही आ रहा है, उसे बोलूँ क्या? अरे मैं ऑलरेडी लेट हूँ यार। नहीं तू जिधर से बात मत करा, मैं लेकर आता हूँ, तू नंबर भेज। जिसे देखने का दिल करता है किस्मत उससे कभी मिलाएगी नहीं, और अब इस मनहूस प्रिया को क्लास में लेकर जाओ। आज विश्वास हो गया भगवान, इबादत में भी और मोहब्बत में भी। प्रशांत, क्लास कहाँ है? प्रिया, चलो। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? हाँ, आपको कैसे पता? जिसकी सुबह मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर हुई हूँ, वो मुरझाता हुआ चेहरा पल में पहचान देते हैं। नाइस लाइन, पर आपकी लाइन समय वो नहीं लौटा सकती जो हमने खोया। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने क्या खोया है? हमारे मोगरे का हार। मोगरे का हार? मोगरे का नहीं, मोगरे का हार। मोगरे का हार, माँ कहती थी मोगरे का हार नहीं पहना ना तो दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। ठीक है, आपका दिन अधूरा नहीं जाएगा, चलिए हम अभी लेकर आते हैं आपके मोगरे का हार। नहीं नहीं,
सर की क्लास स्टार्ट होने में 2 मिनट बचे, अगर लेट हो जाए तो एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, आप चलिए, सेम बिल्डिंग 4th फ्लोर पे 404 में क्लास है। और आप? हम आपका दिन पूरा करने की कोशिश करते हैं, 1.5 मिनट है हमारे पास, आप चलिए मोगरे का हरा तक पहुंच जाए। एक मोगरे का हार देना। कितना हुआ? 1000 रुपया। ठीक है, जल्दी करो, चेंज चेंज रखो। प्रिया, मतलब प्रिया, प्रशांत, प्रशांत, मेरा प्रशांत, प्रिया। हाँ ठीक है, चलो बैठो बैठो। तुम्हें क्या कह रहा था? डेडलाइन। इसका मतलब है कि आपको किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पे पहुंचना है तो आप लेट नहीं हो सकते, समझ गए? हो गया क्योंकि ट्रेन लेट लेरी हो गई सर, टेंशन टाइप को लेते हो, मैं होमवर्क करके आया। हाँ तो अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं सर। ओके, तो अब आप में से कोई भी दो लोग यहाँ आएंगे और अलग अलग कैरेक्टर परफॉर्म करेंगे। जैसे कोई रोमांटिक सीन कर सकता है तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ परफॉर्म करने के लिए? सर मैं एक सीन परफॉर्म करना चाहता हूँ। यस यस, बढ़िया। तो दोस्तों, अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी है दो लोगों में अच्छी केमिस्ट्री होना, और दो लोगों में अच्छी केमिस्ट्री तभी हो सकती है जब वो दोनों एक दूसरे को दर्पण समझते हो, एक दूसरे से सच कहते हो। वैसे अगर इस थ्योरी से चले तो हमारी क्लास में एक शख्स है जो कि बिल्कुल भी एक्टर नहीं बन सकता। कौन है भाई? सर वो शख्स है गंगाराम। गंगाराम? अरे मैंने क्या किया है? सर गंगाराम हमारी क्लास की लड़की से प्यार करता है। प्यार करता है? लेकिन वो ये बात उससे छिपा रहा है जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। सर सर मेरी माँ की कसम, ये झूठ बोल रहा है। सर अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इसके बैग में मोगरे का हार क्या कर रहा है? मोगरे का हार? सर मेरे बैग में कोई मोगरे का हार नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक सर, मैं इसका बैग चेक करता हूँ, अगर मोगरे का हार निकला तो बात अपने आप साफ हो जाएगी। हाँ। क्यों हाँ।
भाई अब ये बता दे ये लायक किसके लिए है तू? सर मुझे कुछ नहीं पता। मैं बताता हूँ सर, ये अपना गंगाराम ना सर, सर जो अपना गंगाराम है सर वो कोमल से प्यार करता है। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर। सर वैसे प्यार तो जरूरी है ना सर, अब अगर एक्टिंग में से हम प्यार निकाल लेंगे तो बचेगा क्या सर? सर अगर आप कहें तो मैं डेमो दूं। यस प्लीज। क्या है डेमो? सर कैरेक्टर को सूट नहीं करती सर। देख गंगाराम ऐसे दिखाई जाती है हिम्मत। कैसी रही? सॉरी सर, मुझे सबके सामने आज गंगाराम के बारे में कहना पड़ा, लेकिन वो बहुत टेंशन में था सर, समझो। हाँ यार। अरे गंगाराम ठीक है भाई, कलाकार बनने के लिए अपने दिल को खाली करना पड़ता है, इसलिए कोई भी बात दिल में मत रखो, ठीक है कोमल सर? सर इस सिचुएशन पे एक शेर सुनाऊं क्या? जरूर। तो दोस्तों खा लो खुशी खुशी जो मिल रहा है खाने को। क्या बात है, क्या बात है। खा लो खुशी खुशी जो मिल रहा है खाने को, चाहे वो हो पनीर कोफ्ता या हो पिटला भाकरी। खा लो खुशी खुशी जो मिल रहा है खाने को, चाहे वो हो पनीर कोफ्ता या हो पिटला भाकरी। कह दो दिल की बात अपनों से, कौन जाने कौन सा पल हो आखिरी।